खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुख्यालय बरेली से आ रही है, जहां सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काफी चिंतित दिखाई दे रही है, जिसमें आयुष चिकित्सालय द्वारा जनपद बरेली में चिकित्सीय सेवा जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। वहीं जनपद बरेली में 52 आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें 44 चिकित्सक अधिकारी नियुक्त हैं। सभी चिकित्सालय में ₹1 पंजीकृत शुल्क पर रोगी को 15 दिन की दवा दी जाती है। सभी रोगों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। दिनांक 4/1/2021 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनपद को 14 नए चिकित्सा अधिकारियों नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उक्त 52 चिकित्सालयों में से 39 चिकित्सालयों को हेल्थ बैलेंस सेंटर के रूप में वितरित किया गया है। इनमें से एक योग प्रशिक्षक महिला की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण रूप से हो चुकी है। ग्राम समूह में 50 से संयुक्त एकीकृत आयुष चिकित्सालय की स्वीकृति उपरांत भवन के निर्माण का कार्य पूर्ण रूप हो चुका है। शीघ्र ही चिकित्सालय संचालित होने लगेगा। दिनांक 10/1/2021 को मुख्यमंत्री आरोग्य मेले में आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जनता से अनुरोध भी है कि सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सालय में पहुंचकर आयुर्वेदिक चिकित्सालय का लाभ उठाएं। आइए जानेंगे क्या कुछ कहा डॉक्टर आर के गुप्ता ने स्वास्थ्य को लेकर। संवाददाता राजा हसन के साथ मैं विनय शर्मा, आप देख रहे हैं ABP 9 न्यूज, हर खबर आप तक। जी क्या कहेंगे सर, आज जो यूनानी दवाइयां यहां वितरण की जाती हैं, क्या कहेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट है ये और किस तरीके की योजना चलाई जा रही है? मैं आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग का मीडिया प्रभारी बता रहा हूँ आपको, डॉक्टर आर के गुप्ता जी। ये हमारा विभाग जो मात्र एक रुपए के पर्चे पर मरीजों का इलाज करता है। यहाँ सभी बीमारियों का इलाज होता है जी, और जिसका भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार काफी प्रचार प्रसार भी कर रही है, और इसमें काफी लोगों को सुविधा मिल रही है। हमारे यहाँ कुल जनपद में 52 चिकित्सालय हैं, जिसमें 39 चिकित्सालयों को सरकार ने अभी अपग्रेड किया है, उच्चीकृत किया है, जिसमें योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा, और जिनमें 2 योग प्रशिक्षण नियुक्त किए गए हैं, एक महिला और एक पुरुष, जो अभी उनको नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, उनका अपॉइंटमेंट हो चुका है। और कैंपिंग किस तरीके से होती है, कैंपिंग की जाती है, किस तरीके से दवाइयां वितरण की जाती है, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके लिए दवाइयां दी जाती है? हमारे यहाँ सभी तरह का इलाज होता है, हर बीमारी का इलाज होता है, जो पुरानी बीमारी गंभीर बीमारियों का और विशेष तौर से इलाज होता है। और हमारी जो दवा है वो जड़ से खत्म करती है बीमारी को जी, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा तो हमारे यहाँ 52 चिकित्सालय में 14 चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति हुई है, इनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 जनवरी को वर्चुअल मीटिंग में प्रमाण पत्र वितरित किए, वितरित प्रमाण पत्र दिए हैं। मतलब अभी भी अस्पताल कुछ खाली हैं, पर 44 काफी चिकित्सा अधिकारी हैं, हर अस्पताल में 44 चिकित्सा अधिकारी हो गए हैं नियुक्त। ग्राम समूह में 50 बेड का अस्पताल बना है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, काफी वहाँ सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं, जो अभी शीघ्र चालू होने वाला है। और हमारे जगह जगह जो चिकित्सालय हैं, वहाँ आसपास के गांव में क्षेत्र में जाके प्रचार प्रसार करते हैं, और वहाँ दवाइयाँ वितरित करते हैं, लोगों को देखते हैं, मरीजों को दवाइयाँ उपलब्ध हैं सारी चिकित्सालयों में। हमारी लोगों से, आपके माध्यम से लोगों से अपेक्षा है कि इस विधा का, आयुर्वेद विधा का लाभ उठाएं और निरोग रहें, आगे उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा और आप स्वस्थ रहें।